ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया क्या होता है? ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम गिवन बाय ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम, यानी ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया की जो प्रोसेस है उसको क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा सुझाया गया था, इसलिए हम इसी आधार पे उसका नाम हम ग्राम स्टेनिंग रखे हैं क्रिश्चियन ग्राम के नाम पे। क्रिश्चियन ग्राम ने कुछ स्पेसिमन जैसे पॉन्ड वाटर या यूरिन को लेकर के एक स्लाइड पे उसको कलर किया, क्रिस्टल वायलेट कलर से उसको क्रिस्टलाइज किया, कलर किया। उसमें जो बैक्टीरिया का कलर होता है वह पर्पल कलर का हो जाता है। उसके बाद उसमें पोटेशियम आयोडाइड का जो सोल्यूशन होता है उस पे डाला जाता है, जो स्टेन है उसको फिक्स करने के लिए कि जो उसका कलर है वो फिक्स हो जाए। इस उसके बाद उस बैक्टीरिया को हम डीकलराइज यानी ग्राम डीकलराइजर डालते हैं, जैसे एसीटोन और एल्कोहल का जो सोल्यूशन होता है वह ग्राम डीकलराइजर होता है, यानी बैक्टीरिया के कलर को डिसकलर करने के लिए। तो उसमें जो कुछ सम बैक्टीरिया पर्पल कलर और सम बैक्टीरिया और डिसकलर बैक्टीरिया और वाइट कलर बैक्टीरिया, यानी कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं वह पर्पल कलर की रहती हैं लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया हैं वह डिसकलर हो जाती हैं और वाइट हो जाती हैं। तो जो बैक्टीरिया पर्पल कलर की ही रहती हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया डिसकलर हो जाती हैं और वाइट हो जाती हैं उनको हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद हम उस पर एक काउंटर स्टेन यानी सेफ्रेनिन का प्रयोग करते हैं, उसको कन्फर्म करने के लिए हम सेफ्रेनिन काउंटर स्टेन का प्रयोग करते हैं। जब सेफ्रेनिन का जो कलर होता है वह रेड कलर होता है, तो जो पर्पल कलर की बैक्टीरिया होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वह पर्पल कलर में ही रहती है, जबकि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वह रेड कलर हो जाती है, यानी सेफ्रेनिन का कलर रेड होता है इसलिए वह रेड कलर की हो जाती है। तो जो जो कलर जो पर्पल कलर की बैक्टीरिया अपना कलर हम नहीं खोती है उसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया अपना कलर बार बार चेंज कर दे रही है उनको हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इस प्रकार से देखिए इसका प्रोसेस है, ग्राम स्टेनिंग क्रिश्चियन ग्राम द्वारा किया गया है। ये बैक्टीरिया को कुछ हमने स्पेसिमेन स्लाइड पे लिया है जिसको क्रिस्टल वायलेट से स्टेन कराया गया, उसके बाद यह पर्पल कलर का हो जाता है। इस पे पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डाला जाता है स्टेन को फिक्स करने के लिए, तब भी यह बैक्टीरिया का कलर पर्पल रहता है क्योंकि यह फिक्सेशन के लिए स्टेन किया गया है। उसके बाद जब हम डीकलराइजर का प्रयोग एसीटोन और एल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं तो बैक्टीरिया दो कलर में, इसकी कॉलोनी दो कलर में हो जाती है, एक तो पर्पल कलर ही रहती है और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अदर कलर की हो जाती है। उसके बाद जो बैक्टीरिया पर्पल कलर में है उनको हम ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया डिसकलर हो गए या वाइट हो गए उनको हम ग्राम निगेटिव कहते हैं। उसके बाद हमने पुनः काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन का प्रयोग किया, सेफ्रेनिन का प्रयोग करने से जो पर्पल कलर की बैक्टीरिया है वह पर्पल कलर में ही रहती है, ग्राम पॉजिटिव है, और जो बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया जो वाइट थी वह रेड कलर में हो जाती हैं जिसे हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका पूरा ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस होता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं इनकी सेलवाल मोटी होती है, सेलवाल मोटी होने के कारण यह स्टेन नहीं लेती हैं, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती हैं इनकी सेलवाल थिन होती है जिसलिए वह बार बार स्टेन को लेती हैं।